हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनर स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैंने सिल्की स्मूथ बालों के लिए एक होम रेमेडी बताऊंगी। इस होम रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बटर, बिना सॉल्ट वाला बटर लेना चाहिए। इसमें 3 चम्मच कच्चा दूध ऐड कीजिए। इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कीजिए। एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। एक चम्मच ग्लिसरीन ऐड कीजिए। इसमें 2 चम्मच शहद ऐड कीजिए। ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मिलाया बटर नेचुरली स्किन के लिए, वैसे भी बालों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। बालों की स्मूथ सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही मदद करती है, नेचुरली कंडीशनिंग करती है। इसमें हमें यूज़ किया बटर, बिना नमक से आप बटर इसमें यूज़ करना चाहिए। होममेड बटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते। और इसमें मैंने मिलाया दूध, कच्चा दूध। दूध हेयर को नरिशिंग करती है। वैसे भी इसमें मैंने मिलाया कैस्टर ऑयल। हम सबको पता है कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बहुत ही मदद करती है। और इसमें मैंने मिलाया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नेचुरली बालों की स्मूथ सॉफ्ट करने में, कंडीशनिंग करने में बहुत ही मदद करती है। इसमें हमें मिलाया ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नेचुरली बालों की स्मूथ सॉफ्ट करती है, वैसे भी बालों की शाइनी करने में ये बहुत ही मदद करती है। फाइनली इसमें मैंने मिलाया शहद। शहद में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है। ये दोनों स्कैल्प पर जो हुआ इन्फेक्शंस को दूर करती है, वैसे भी बालों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये सब बालों की नरिशिंग करने में, कलर एनहांस करने के लिए, वैसे भी नेचुरली कंडीशनिंग करने के लिए भी बहुत ही मदद करती है। ऐसा ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। ऐसे मिलाने के बाद इस क्रीमी मिक्सचर को स्कैल्प पर, पूरी बालों पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तक ऐसे रहने दीजिए। 10 मिनट होने के बाद किसी भी हर्बल शैम्पू के साथ वॉश कीजिए। फ्रेंड्स, इस मिक्सचर आपकी बालों की डीपली नरिशिंग करने में, मॉइस्चराइजिंग करने में, नेचुरली कंडीशनिंग करने में बहुत ही मदद करती है। वैसे भी आपकी बालों की स्मूथ सॉफ्ट करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, रूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये बहुत ही मदद करती है। इस मैजिकल हेयर मास्क को आप ही ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपकी बाल बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट बन जाती है। फ्रेंड्स, आज मैंने नेचुरल हेयर कंडीशनर बनाया। इस कंडीशनर के साथ आप बहुत ही सिंपली आपकी बालों की सिल्की स्मूथ बन सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।